Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. कुछ दिनों पहले मैंने अपने रमजान व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं एक सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ अभी करेंटली, और मैं डेली बेसिस पर उसे इस्तेमाल करती हूँ. तो काफी सारे आप लोगों में से ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया है कि मैं उस सनस्क्रीन का अलग से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. मैं उसे क्यों इस्तेमाल करती हूँ, वो ऑयली या चिपचिपा है कि नहीं, वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं, और वो ऑयली एक्नी प्रोन स्किन के लिए परफेक्ट रहेगा कि नहीं. सो सब कुछ मैं डिटेल में आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो ये जो सनस्क्रीन है, इसे मैं कई दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये सनस्क्रीन है वाउ स्किन साइंस एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन. सो लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग फर्स्ट. पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके का एक ट्यूब पैकेजिंग में आता है, और जो प्रोडक्ट क्लेम करता है वो है कि ये वाटर रेजिस्टेंट एक सनस्क्रीन लोशन है विथ SPF 40 का प्रोटेक्शन. एंटी पोल्यूशन है, मतलब कि ये आपको हर तरीके के पोल्यूटेंट से प्रोटेक्ट करेगा. इनफैक्ट ये PM 2.5 से भी आपको प्रोटेक्शन देता है, विच मीन्स पर्टिक्यूलेट मैटर अप टू 2.5 माइक्रोमीटर. ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है. पोल्यूशन की वजह से स्किन में डलनेस आ जाती है, इचीनेस आ जाती है, रैशेस आ जाते हैं. जो PM 2.5 की बात मैं कर रही थी, उससे ही ज्यादा हमारी स्किन डल हो जाती है. हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर इतने सारे पोल्यूटेंट्स, स्मॉग, स्मोक, फ्यूल, डस्ट पार्टिकल्स है, जो कि हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हार्म करती है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब हमारे स्किन में कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि किसकी वजह से इश्यूज आए. हमने तो सनस्क्रीन अप्लाई किया था, बट सनस्क्रीन में पोल्यूशन प्रोटेक्शन भी होना आज की डेट पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो वाउ स्किन साइंस का एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन है, ये आपको ऑल ओवर पोल्यूशन से और सन रेज से भी प्रोटेक्शन देता है. ये UVA UVB प्रोटेक्शन आपको देगा. ऑल्सो ये स्मोक फ्यूल एग्जॉस्ट सन रेज से प्रोटेक्शन देता है, और एक शील्ड की तरह काम करता है आपके स्किन के ऊपर. PM 2.5 से भी आपको प्रोटेक्शन देता है. ये SPF टेस्टेड है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है. कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स जैसे पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, बेंजोफेनन नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दिस इज वाटर रेजिस्टेंट, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है. मैं कभी भी बाहर जाती हूँ या मैं अगर AC नहीं है उस जगह पर, तो बहुत ही ज्यादा मुझे स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से सनस्क्रीन या क्रीम हमेशा मेरा निकल जाता है. बट ये सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट होने की वजह से आप जब स्विमिंग करने जाते हैं, उस टाइम भी आप इस तरीके का सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं. अब देख लेते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. सो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है लिकरिश एक्सट्रैक्ट, एल्टेरोमोनास फर्मेंट एक्सट्रैक्ट. तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है एल्टेरोमोनास फर्मेंट एक्सट्रैक्ट के बारे में, एल्टेरोमोनास फर्मेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रेंच पॉलिनेशियन सी वाटर से, जिसके अंदर कुछ नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स होने की वजह से वो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स को ना पूरा प्रिवेंट करता है आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आने से. ऑल्सो वो फ्री रेडिकल डैमेज से प्रिवेंट करता है, स्किन को रिजुविनेट करता है. SPF काउंट है इसका 40, विच मीन्स ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम UVA एंड UVB बोथ. इसके अंदर कई और इंग्रेडिएंट्स भी है, जैसे लिकरिश एक्सट्रैक्ट, विटामिन B3, विटामिन ई है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है. सो ये आपके स्किन को बिल्कुल भी ऐसा इचीनेस नहीं फील कराएगा, या फिर कुछ आपने लगाया है. बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मुझे ऐसा फील होता है इसे अप्लाई करते टाइम कि ईजिली ये स्मूथली ग्लाइड होता है आपके स्किन में और इंस्टेंटली अब्जॉर्ब भी हो जाता है. कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, कोई ऑयलीनेस भी नहीं छोड़ता, विच इज़ वाई ये ऑयली स्किन पीपल, एक्ने प्रोन स्किन पीपल, एट द सेम टाइम ड्राई स्किन पीपल के लिए भी अच्छे से वर्क करता है. बट मेक श्योर कि जब आप धूप में जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, उससे 15 या 20 मिनट पहले ही आप इस सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करें अपने एक्सपोज्ड पार्ट्स पर. सिर्फ फेस पर ही नहीं, अपने फेस, नेक एंड हैंड्स, अपने एक्सपोज्ड पार्ट्स पर इसे जरूर अप्लाई करें. और मैं तो इसे डेली बेसिस पर, जैसे मैंने अपने व्लॉग में दिखा है, मैं इसे हर रोज सुबह ही अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस, नेक एंड हैंड्स पर. ऑल्सो वाउ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट्स ही मेड इन इंडिया होते हैं. इनफैक्ट सारे इंग्रेडिएंट्स ऑल ओवर इंडिया से सोर्स किए जाते हैं. वाटर इज यूज्ड फ्रॉम हिमालयन स्ट्रीम्स, एंड यू कैन सी कि ये प्रोडक्ट 100% वीगन है और क्रुएल्टी फ्री है, मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट एनिमल डिराइव्ड नहीं होता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है.
एंड पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है. इनफैक्ट करेंटली द वर्कफोर्स कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ वुमेन. और ये जो प्रोडक्ट है ये अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू इसका प्राइस है 399 rupees फॉर 100 ml ऑफ दिस ट्यूब. तो मैंने जहाँ से परचेज किया है उसका परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. मैंने वाओ स्किन साइंस के ऐप से जाकर इसे परचेज किया है. आप गूगल प्ले स्टोर से वाओ ऐप को इंस्टॉल कीजिए. ऐप को एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा ईजी है क्योंकि ऐप पर अलग अलग से कैटेगरीज है लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, कॉम्बो किट्स. तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बिकम्स इजियर. जस्ट आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ऐड टू कार्ट एंड प्लेस द ऑर्डर. दैट्स इट यू हैव टू डू. और काफी ज्यादा हैसल फ्री प्रोसेस है. एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज की वाओ स्किन साइंस के ऐप से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको अलग से डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी मिलते हैं. तो जो ऐप डाउनलोडिंग लिंक है और जो प्रोडक्ट परचेजिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो मैन कैन यूज दिस प्रोडक्ट, वुमेन, टीनेजर सभी से इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑल्सो इसके ऊपर आपको इस तरीके का येलो कलर का स्टिकर दिखेगा. दिस इज एक्चुअली QR कोड. आप किसी भी QR स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के बारे में खुद पता चलेगी. इनफैक्ट ऑन एवरी स्कैन यू कैन गेट पॉइंट्स टू रिडीम ऑन योर नेक्स्ट परचेज. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल थी. वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय.